चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत। आज मैं लेके आया हूँ रेसिपी जो बेसन की चक्की गुड़ के साथ बना के दिखाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पुराने हैं तो TRC किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करेंगे। बेसन की चक्की बने रहेगा वीडियो के साथ और वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बेसन की चक्की बनाने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट में थोड़ा काजू लिया है, थोड़ी बादाम लिए और थोड़े पिस्ते लिए। इन सबको अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे, नहीं तो कूट के भी डालेंगे। ये मैंने 1 किलो बेसन लिया है, क्योंकि मैं 1 किलो बेसन की चक्की बनाऊंगा, इसलिए मैंने 1 किलो बेसन छान के रेडी कर लिया है। अभी गैस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले बेसन को थोड़ा भून लेंगे, घी कुछ भी पहले नहीं डालेंगे। कढ़ाई में बेसन को डाल के करीब अपन 5 मिनट तक ऐसे भूनेंगे ताकि हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो इसमें थोड़ा घी कम लगेगा। बेसन को 1 कप धीमी आंच में चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे जल जाता है। बेसन हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, अभी करीब 3 मिनट हो गया है। एकदम बढ़िया बनेगी चक्की बेसन की, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा तो ही समझ में आएगा। अभी बेसन ब्राउन हो गया है, अब इसमें करीब मैं 700 ग्राम घी पहले डाल दूंगा। घी मैंने पतंजलि का यूज किया है, आप कौन सा भी घी ले सकते हैं, देसी। मैंने 600 करीब घी डाल दिया है, अब इसको चलाएंगे। बेसन को एक जात चलाते रहिएगा जब तक बेसन घी ना छोड़ दे। थोड़ा घी बाद में और यूज करेंगे। ये टाइम पे बेसन थोड़ा घट हो रहा है, धीरे धीरे घी छोड़ेगा तो पतला हो जाएगा। मैं थोड़ा घी और डालूँगा क्योंकि अभी थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अभी दूसरा चम्मच ले लेंगे ताकि उससे अच्छी तरह से मिक्स कर सके। बहुत गाढ़ा होता है। अभी देखो धीरे धीरे घी छोड़ने लगा है बेसन। लगता है इसमें थोड़ा और घी चाहिए। पूरा मैं 900 ग्राम करीब घी इसमें यूज करूँगा। बने रहेगा वीडियो के साथ में, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी मैं इसमें इलायची कूट के रखी थी 8-10, वो भी इसमें डाल दूंगा। इलायची डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चक्की में, इसको बेसन की बर्फी भी बोलते हैं।
अभी इसमें मैं करीब 100 ग्राम घी यूज करूँगा। 100 ग्राम घी मैंने पहले और यूज किया है। अभी धीरे धीरे बेसन पतला होने लगा है। मैन चक्की बनाते समय चलाने का ध्यान रखें, नहीं तो बेसन जल जाता है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, ब्राउन भी हो गया है बेसन। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगा। सबसे पहले मैंने बादाम डाली है, ऐसे थोड़ा कूट के बारीक कर लीजिएगा ड्राई फ्रूट को। अभी मैं इसमें काजू डालूंगा। आपको अच्छा लगे तो डाल दीजिएगा, नहीं तो अवॉइड कर लीजिएगा। अभी मैं पिस्ता डालूंगा, थोड़ा पिस्ता बाद में और डालेंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट रखेंगे, जो टाइम में गार्नियर करेंगे उस टाइम पे ऊपर से डालेंगे। अब इस ड्राई फ्रूट को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, या बेसन को पकाते हुए करीब मेरे को 10 मिनट हो गया है, 15 मिनट में पक के रेडी हो जाएगा। अभी मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी तेज कर दी है। फाइनली बेसन सिक के रेडी हो गया है, इसको साइड में रख लेंगे। अभी हम दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुड़ की चाशनी बनाएंगे। अब इसमें करीब 900 ग्राम गुड़ डाल देंगे। ये मैंने 900 ग्राम गुड़ लिया है। अभी बारिश का मौसम है तो गुड़ थोड़ा काला आ रहा है, मगर कोई बात नहीं। 900 ग्राम मैंने डाल दिया है इसमें। इसको चलाएंगे गुड़ को, जब तक गुड़ अच्छी तरह से मेट नहीं हो जाए जब तक इसको चलाते रहिएगा। इसको चलाने में करीब करीब 3 मिनट तक लगते हैं। फाइनली गुड़ अभी हो गया है, चाशनी बन के तैयार हो गई है। चाशनी को अपन छन्नी की सहायता से छान के यूज करेंगे, ताकि इसमें कोई है तो छन्नी में आ जाए। अभी गैस को बाजू रखेंगे और बेसन सेक के रखा वो ले लेंगे और इसमें चाशनी डाल देंगे पूरा। छन्नी की सहायता से छान लेना है, ताकि इसमें कोई मॉइस्चर रहे तो निकल जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। चाशनी पूरी अंदर अबजव हो जानी चाहिए। मैंने चाशनी को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लिया है। अभी इसको जमाएंगे। जमाने के लिए मैंने स्टील की ट्रे ली है, इसमें थोड़ा घी लगा के रख लिया है पहले से ही, ताकि चक्की अंदर चिपके नहीं। एक एक करके मैं ये 2 ट्रे में आ जाएगा। आपके पास स्टील की ट्रे नहीं है तो आप थाली में भी जमा सकते हैं। इसको इस तरह से जमा लेना है। इसको बाजू रखेंगे, दूसरी में और है जो सब निकाल लेंगे, उसको भी अच्छी तरह से जमा लेंगे। मैंने 2 ट्रे में जमा के रेडी कर लिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट जो बचा के रखा था उसको थोड़ा इसके ऊपर गार्नियर करेंगे,
ताकि चक्की बहुत ही अच्छी दिखे। मैंने पूरा ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिया है। अब इसको करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। 1 घंटे के बाद इसको कटिंग कर लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट चक्की बनी है। ये देखो बहुत ही अच्छी चक्की को जमा के 1 घंटा हो गया है। अब चक्की को कटिंग कर लेंगे। ये देखो एकदम कड़क हो गई है। चक्की को ऐसे कटिंग कर लेना है। मैंने गाढ़ा चम्मच लिया है क्योंकि चक्की मैंने ड्राई फ्रूट डाला है इसलिए चाकू से कट नहीं होती है। ऐसे काट लेना है। एक तरफ से कटिंग हो गई है। अभी इसको ये साइड से भी कट कर लेंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से कटिंग करना है ताकि चक्की बिखरे नहीं। बाद में इसको और थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि और कड़क हो जाए। चक्की को मैंने फाइनली कटिंग कर लिया है। अब निकाल के देखेंगे चक्की कैसी बनी है। अब निकाल के देखेंगे पीस। ये देखो इजी निकल जाती है चक्की। बहुत ही बढ़िया बनी है। एक और निकाल के देखेंगे। ये देखो जल्दी जल्दी निकल जाती है एक निकलने के बाद में। अब इसको तोड़ के देखेंगे अंदर से कैसी बनी है। ये देखो एकदम सॉफ्ट ड्राई फ्रूट वाली अच्छी चक्की बनी है। तो आप बनाइए घर पे बेसन की चक्की। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।